भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग विलेज पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने सोनालिका 60 RX पर फिटिंग है लोडर, इसे आज देखेंगे। और जो चला रहे हैं भाई ड्राइवर साहब, उनसे भी पूछेंगे चलाने में कैसा है, और आप लोगों को दिखाते हैं। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोंडा के। तो ये ट्रैक्टर चलने में कैसा है? बहुत बढ़िया। इसे ओनली लकड़ी के लिए काम? ओनली लकड़ी के लिए ही बना है ये। तो ये चलाने में आप कितने वर्षों से चला रहे हैं इसे? हमको हो गए लगभग 18 साल। 18 सालों से चला रहे हैं। तो इससे पहले किसी दूसरे ट्रैक्टर पे था या इसी पे? दूसरे ट्रैक्टर पे थे पहले, मगर वो सक्सेस नहीं था। सक्सेस नहीं था? कौन से ट्रैक्टर पे था पहले? सोनालिका पे था। सोनालिका पे, मगर वो सक्सेस नहीं था। अभी बुल वाले ने इसको। अच्छा, ये बुल कंपनी का आपका जो ये लगा हुआ है फिटिंग, ये बुल कंपनी का है। अच्छा, तो इस पर जैसे लोडर पीछे लगा, आगे लोडर लगा हुआ है, पीछे वेट लगा हुआ है, वेट कितने क्विंटल का है? 15 क्विंटल का। और ये इसका सिस्टम हाइड्रो, सॉरी पीटीओ से इसमें सिस्टम लगा हुआ है। और जो इसका ऑयल टैंक है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऑयल टैंक लगा हुआ है। इसमें कितने लीटर ऑयल पड़ता है? 120 लीटर इसका ऑयल पड़ता है अलग से जी। आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से फिटिंग है ट्रैक्टर पे। ये लीवर है, ये लीवर है, ये ऑपरेट करने के लिए लीवर इसमें लगा हुआ है। ये कितने घंटे चल चुका है ट्रैक्टर? 2700 घंटे ये चल चुका है। इसी पे लेके, नया लेके आए थे, इसी पे फिटिंग किया डायरेक्टली? नया पे फिटिंग हुआ। ये कहाँ से आपने फिटिंग करवाया इसको? यहीं पे फिटिंग हुआ है। यहीं पे बुल कंपनी के लोग कोयम्बटूर से जी, वहाँ से चल के ये लेके आए, वहाँ से ट्रांसपोर्टर लेके आए, यहाँ पर यहीं पर फिटिंग हुआ है। जी जी। तो मतलब ये बुल कंपनी की तरफ से कोई बंदे आए थे कि आप ऑपरेटर आए थे? चलिए ठीक है, आप चलाइए इसे, देखते हैं किस तरीके से ये कार्य करता है। आप इसे चलाइए एक बार, आप लोगों को इसका हाइट दिखाते हैं। देखिए कितने ऊँचे जाता है, हाइट देख लीजिए भाई। ड्राइवर साहब इसे बता रहे हैं कि 25 फुट लमसम 25 फुट के करीब ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऊपर नीचे भी होता है, बहुत आराम से का वर्क करता है, काफ़ी शानदार वर्किंग है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे लोडर से लोड करते हैं, लकड़ी को उठा के लेके जाते हैं। भाइयों, इसी तरीके से लकड़ी की फिटिंग करने के बाद लोडर से उठाया जाता है। ये कई जगह पर रख चुके हैं भाई इसे, इस तरह इकट्ठा करके। एक बार में जो रखते हैं ये इकट्ठा करके लकड़ी, कम से कम 3 से 4 क्विंटल के करीब में ये होता है, और काफ़ी आसानी से इसे उठा के लेके जाते हैं लोडर से। तो भी मिल सकता है।